हेलो, मैं हूँ मिट्टी का कुल्हड़। मुझसे आप चाय की दुकानों पर मिले होंगे। लोग मुझ में चाय की चुस्कियाँ भरते हैं और फिर वहीं तोड़ के फेंक देते हैं। और मैं मिट्टी की कटोरी। बहुत पुराने समय से मेरा और अन्य मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग पकाने और खाने के लिए होता आया है। लेकिन हम हमेशा ऐसे नहीं थे। हमारी शुरुआत होती है मिट्टी से। जी हाँ, वह देखिए चिकनी मिट्टी। उस मिट्टी से लेकर बर्तन बनने तक हमने बड़ा लंबा सफर तय किया है। चलिए ये सफर आपको दिखाएं। जब कुमार भैया ने सोचा हमें बनाने के बारे में, सबसे पहले उन्होंने चिकनी मिट्टी को गूंदा। बच्चों याद रहे, हमें बनाने के लिए मामूली मिट्टी या रेत काम नहीं आती, सिर्फ चिकनी मिट्टी, जिसे अंग्रेजी में क्ले कहते हैं, उसका प्रयोग किया जाता है। कुमार भैया ने फिर इस गूंदी हुई मिट्टी को अपनी चाक पर रखा और उसे तेज गोल गोल घुमाया। चाक पर घूमती हुई मिट्टी को कुमार भैया ने अपने हाथों से आकार दिया। पर हमारे बनने का सफर यहाँ खत्म नहीं हुआ। चाक से उतारे जाने के बाद हम गीले और मुलायम थे। कुमार भैया ने हमें मजबूत करने के लिए बाहर सुखाने रखा। धूप में पड़े पड़े हम कड़क हो गए। फिर उन्होंने भट्टी में हमें पकाया। हम और मजबूत हो गए। अब मुझ में चाय डालो या कटोरी में दाल, हम टस से मस नहीं होते। बच्चों, तुम्हें पता है मिट्टी के बर्तन बिल्कुल इको फ्रेंडली होते हैं। मिट्टी या पत्तों से बने बर्तन जो हमारी सभ्यता में युगों युगों से इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इनसे धरती या पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता। अच्छा बच्चों, एक बात बताओ, क्या तुमने कभी चिकनी मिट्टी से कुछ बनाने की कोशिश करी? तुम चाक के बिना भी मिट्टी को अलग और अनोखे आकार दे सकते हो। अपने माता पिता से कहना कि तुम्हें चिकनी मिट्टी ला दें, फिर उसको ऐसे लंबी रस्सी की तरह आकार देना। अब इस लंबी रस्सी को ऐसे गोल गोल घुमाना और बस बन गई कटोरी। कितना आसान है ना? तुम चिकनी मिट्टी की रोटी बेलकर एक गिलास भी बना सकते हो। मिट्टी को बेलकर दो आकार में काट लो, एक गोल और एक आयत। फिर आयत वाले हिस्से को गोल आकार पर इस तरह रखो, बन गया गिलास। इन बर्तनों को मजबूत बनाने के लिए धूप में सुखाना पड़ेगा। तुम एक और काम भी कर सकते हो, किसी कुम्हार की दुकान से बर्तन या दिए मंगवा कर उनको सुंदर रंगों से सजा सकते हो। हाँ बच्चों, दिवाली पर जो दिए टिमटिमाते हैं और सारे शहर को रोशनी से भर देते हैं, ये भी तो चिकनी मिट्टी से ही बने होते हैं। मिट्टी के बर्तन आज से नहीं, कई हजार सालों से प्रयोग किए जा रहे हैं। मनुष्यों को बर्तनों की जरूरत पड़ी खाना रखने और पकाने के लिए। सबसे पहले उन्होंने पत्थर और मिट्टी के बर्तन बनाए। पत्थर के बर्तन उनको खोदकर या कुरेदकर बनाए जाते थे। मिट्टी के बर्तन मुलायम हाथों से आकार देकर बनाए जाते थे और फिर मजबूती के लिए पकाए जाते थे। यही नहीं, मिट्टी का प्रयोग छोटे छोटे खिलौने बनाने के लिए भी होता था। लगता है कुमार भैया जाग गए। अब हमें जाना होगा। तुम्हें आज की बातें याद है ना? आज हमने तुम्हें बताया मिट्टी से बर्तन तक के सफर के बारे में। चिकनी मिट्टी को गूंद कर कुमार उसे चाक पर आकार देता है, फिर उस बर्तन को धूप में सुखाता है और मजबूती के लिए भट्टी में पकाता है। मिट्टी के बर्तन बिल्कुल इको फ्रेंडली होते हैं और हाँ, इन बर्तनों का प्रयोग सदियों से होता आ रहा है। अब हमें जाना होगा। टाटा।